अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ है मेरे दो मेहमान। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों का, आप तशरीफ लाए अपना कीमती वक्त निकाल कर। मेरा इंट्रोडक्शन करवाए, बताए कौम को कि आपके साथ स्पाइडरमैन बैठे। वैसे गालम तुहाडी सच्ची होगी, चंबड़ जांदा तुहाडे वांगू लहंदा नहीं पिछों। आता मैंने तुम्हें कहा था मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा इनकी। नहीं मैं, आप बात ही ऐसी करते हैं, स्पाइडरमैन क्या हुआ तुम? मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ। नहीं नहीं आप फोरमैन है। मेरा मतलब कि अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं आप। मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं शरीक चेयर पर्सन हूँ। मैं एक सवाल करना चाहना था। चलो करो सवाल। जाती तौर पे सीरियस सवाल है जनाब। गलत सवाल हुआ मैं डा के मारूंगा तुम्हें। सर जी मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने मंजूर। अब मैंने नहीं बचा, इसकी नाक फटाऊंगा नाक। ये बहुत मारा करते हैं बड़े लड़ाके ने, तो मैंने पता सर जी, लेकिन मैं सवाल तो करना जरूरी करना है। ख्याल रखना मैं छुरी कांटे से भी मारता होता हूँ। मैं की आंडा मेरे कहने का मतलब है वे पड़ेगी ना फिर अंडे दोगे। अंडे भी दोगे, अंडे भी दोगे और वो भी तले हुए और ऊपर से बोलोगे भी पक 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 पक। ये करेगा करेगा उसको सर। मैं सवाल ये करना चाहना, जिन्होंने तुहाड़े नाल जेलां कटियां ने उन्होंने तुसी अहुदियां ते ला दित्ता? मैंने तो हक की खातिर जेल काटी है। क्या कौन से हक की खातिर? मैंने वो जेल काटी है जो मैंसन मंडेला ने काटी। चाचे का बेटा था उसकी खातिर काटी है। वो ठीक है, लेकिन ये जो है ना पता नहीं किधर फिरते रहते हैं आप गंदे बच्चों के साथ, मिट्टी पड़ी हुई है इनके ऊपर। ना मुझे ये बताए, ये मेरा सवाल विच ही रह गया यार, तुसी दोवे कवाल जे चुप नहीं करते। यार मेरे कहने का सर जी मतलब है यार खुदा की अफा में जा रहा हूँ। नहीं, 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 प्लीज सर, प्लीज। एक ड्राइवर वो भी साइकिल का, ए, वो यार वो मुझे कह रहा है यार मैं तुझसे बात ये यार सर जी देखे ना, वो अवामी लोग हैं वो इसी तरह। देखे हम आपस में संजीदा नौयत की बात करते हैं। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि जो इख्तलाफ राय है। अब मौलाना साहब और हमारे दरमियान क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमने एक 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। अच्छा, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कौम के सामने ये हकायक लेके आएंगे। कि बहुत जल्द कब आएगा? साल डेढ़ साल गुजर जाएगा, आपकी टर्म खत्म हो जाएगी। गैस मिली लाइन चला के, पेट्रोल मिलता लाइन चला के, दो दिन का नागा होता है। आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? वैसे वाकई आपने क्या तरक्की क्या की है? तरक्की मौकूस हो रही है। तो ये भी बोल दो, बारिश नहीं हो रही ये भी मेरे खाते में है, मेरी वजह से नहीं हो रही। सर्दी बहुत हो रही है ये भी मेरी वजह से हो रही है। डेंगू वायरस फैला हुआ है ये भी मैं लोगों को काट रहा हूँ। और काली मसर के मुंह वाले मेरी बात को गौर से सुनो। देखें ये इस तरह की लैंग्वेज ना इस्तेमाल। मैं इस तरह की लैंग्वेज नहीं। फिर वो शुरू हो जाएंगे और भाग जाएंगे आप। तो ये तो फैसला कर लो कि आपका प्रॉब्लम क्या, आपको चाहिए क्या। ये वो लोग हैं जो किसी हाल में खुश नहीं होते। आप सबसे एंड में जो बैठे आप। मेरा सज्जी से क्वेश्चन है कि आपको मिस्टर 10% क्यों कहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं सदके जाऊँ तेरी टूटी के मुंह वाले। ये सवाल ना करता तो क्या हो जाना था भाई? ये तो क्या मकसद? नहीं, इस सवाल का कोई मकसद, ये एक बेहुदा सवाल है जिसके बाद मेरे यहाँ पर बैठने की कोई तुक नहीं बनती। आई एम गोइंग, डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। ओके ओके स्टॉप मी, थैंक यू वेरी मच। ओके आई एम नॉट गोइंग। आई एम नॉट गोइंग। कर लो क्या? हम तो दुआ कर रहे हैं यू शुड गो। नहीं जाता, क्या कर लो? मुझे बाहर आफ्ताब, सारे हुक्मरान इक्तदार के बाद मुल्क से बाहर जाते हैं, मैं वो वाहिद हुक्मरान हूँ जो अंदर जाता है इक्तदार के फौरन बाद, और इसकी कोई परवाह नहीं मुझे। आपका भाई अपने आप में बलू बलराम है, खलनायक वाला संजय दत्त है। कुक 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 जी एक बार बता दें, जैसे जैसे इनका मुकाम और दौलत बढ़ती जा रही, इनकी मूछें की छोटी हो रही हैं। जब ज्यादा और था तो मेरी मूछ याद करें आप, ज्या की तरह थी। अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ, इससे पहले मुशरफ का दौर था तो ये गटा मुशरफ वाला। ये गहरी बात है, इसको इसको समझे, लॉजिकल बात है। मकाना से बात ना, 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 अगर खुसरे इलेक्शन जीत गए तो फिर ये, 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 ये। फिर क्या करेंगे आप? फिर स्टैंड अप करोगे? सिर पे चुन्नी लिया करेंगे? अब अगर असेंबली जी बधाइयां मंगोगे फिर? मैं तुम्हें बताऊं, मैं फिर भी क्यूट लग रहा हूँ। अच्छा, खूबसूरत इंसान खूबसूरत ही रहता है। नहीं नहीं आप खूबसूरत, इसमें तो कोई शक वाली बात। अच्छा, अगर ये हुकूमत आ गई तो फिर ये बात मैं सोफिया के मुंह से भी सुनना चाहूंगा। एडी लंबी कुड़ी अपने घर के पखे च वज के अटेंड करा लेनी। साहब आप ये बताइए कि आप इनके साथ इलेक्शन में इकट्ठे जा रहे हैं या नहीं? साहब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो क्या मतलब? इस बंदे को तुम्हें पता नहीं है? नहीं मुझे बहुत पता है आप। नहीं तुम्हारा पाला नहीं पड़ा अभी भाई। अच्छा, तौबा करो, ये मिंड मिंड बाद वो क्या कहते हैं, जबान बयान बदलता है। मसला क्या है आपसे ये बताएं मुझे? ये आपको कोई समझ नहीं सकता सर जी,
मैं सिर्फ मसला ये कहता हूँ, तौबा तौबा तौबा, हर बंदे की तौबा करा दी। आपसे वैसे बहुत ज्यादा ही डरने लग गए। बड़े शातिर आदमी, कभी गुरूर नहीं किया। वो कहते हैं बड़े शातिर आदमी है और आप कह रहे हैं कभी गुरूर नहीं किया। तो इंटेलिजेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जीनियस की तरफ इशारा कर रहे हैं। हर बड़ा इंसान जीनियस होता है। सर जी, इन्हों का वस नहीं चलता है तो मूलियां नू लाल रंग करके तो गाजर बना बना वेचन है। इतना खिलखिला के हंसने वाली बात है। उसने बात ही बड़ी दिलचस्प की है, मैं क्या करूं। सब कसम से, अगर बहुत हंसने वाली बात होती मुझे भी आती हंसी। कुछ नहीं, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। अदा मैंने बोला ना, बड़ा शातिर आदमी है बस। मैं अभी देखें, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाह रहा हूँ। अच्छा है, आप दोस्ती करें मेरे। आपकी देख कर रहा हूँ। मट्टी मट्टी भी साफ करें थोड़ी। ये मट्टी क्या बार बार उनकी झाड़ने लगते हैं? यार आप तब इसे ये पूछो, ये बार बार मिट्टी झाड़ रहे, मैं खोतों के साथ लेटता रहा हूँ। नहीं जी नहीं, खोते आपके साथ लेटते हैं। अकेला मारेगा आपका भाई। आप पूरे मुल्क नू अकेला मारेगा भाई। देखें, आपका एक हर चीज चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। ये आप 500 दफा कह चुके हैं पाकिस्तान तो है ना, मानू ना इस बात को। तो जमहूरियत की ये खूबसूरती है। लेकिन आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लगातार। नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा, देखे मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि चौधरी साहब उठे आप, ये आप यहाँ सोने आते हैं हमेशा। आप तो मटी भी जाने। नहीं नहीं, कोई ऊपर से सोए। कैमरे बंद करो यार। क्यों, अब क्या हुआ? कैमरे बंद करो, मैं कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कोई शक पड़ रहा है मुझे। क्या ये 100 रुपया कहाँ से? मैं आपको बताऊं, मैं 75,212 रुपए लेके आया था घर से। ये 100 रुपए रह गया, 75,112 रुपए किधर गए? ये आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये यहाँ से मिट्टी झाड़ा था। नहीं सर जी, गल सुना नहीं, झाड़ रहे थे। आप उनकी मिट्टी बार बार क्यों झाड़ नहीं शक के देते? तो कोई बंदा ना आ रहा ना यार। नहीं होने शक किसी के ऊपर, तुम लोग क्या सारे मिलके शक के करके वो मजे। आप सूफी को बुलाएं, कैमरे बंद करे सारे। और सूफी ने बुला के होते पैसे भी कटा पाओगे। जेड़ा 100 बचा है रख लो, चुप करके गुजरात का किराया ही जे। चुप करके निकल जाना, पहला टाइम जाना 6 बजे। मैं कह रहा मेरा 75,000 112 रुपये चाहिए। जेड़ा 100 आप ये आप घर से नहीं लाए होंगे, गलत फहमी हो रही है। और मैं माज वेर के लिए यार गल करने वाली। मैंने पता तुसी ये भी 100 जेब च पा लो, उन्होंने हाथ मिट्टी साफ करने आ रहा है। हाथ मिट्टी साफ करने आ रहा है। मैं ये तुमने बुलाए, मैं जानता नहीं हूँ। मैं तेरे साथ एक ब्रेक।